हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस ट्रैवल टर्टल। आज हम लोग आपके साथ कुछ डिफरेंट वीडियो शेयर करने वाले हैं। ये आज का नेचुरल ब्लॉग नहीं होने वाला है, ये कुछ डिफरेंट वीडियो होने वाली है। इसमें हम एक चैलेंज वीडियो शेयर करने वाले हैं आपके साथ, और ये चैलेंज होने वाला है हु नोज मी बेटर। तो आज आपको पता चलेगा हम दोनों एक दूसरे को कितना अच्छे से जानते हैं। हम दोनों ने अपने फोन्स में अपने क्वेश्चंस रेडी कर लिए हैं। कुणाल ने अपने फोन में रेडी किया है, मैंने अपने फोन में रेडी किया है, और इसमें कोई चीटिंग नहीं हुई है। हम दोनों ने एक दूसरे से कोई क्वेश्चन शेयर नहीं करे हैं। तो अब देखते हैं किसको कितने पॉइंट्स मिलते हैं। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो चलो पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम आपको क्या गिफ्ट दिया था और डेट क्या थी? मुझे गिफ्ट याद है बट डेट याद नहीं है, और इनको डेट इसलिए याद है क्योंकि हर चीज इन्होंने अपने फोन में सेव करी हुई है विद डेट्स। और मेरे को फर्स्ट गिफ्ट मिला था, मेरा खुद का पोर्ट्रेट बनाया हुआ था इन्होंने एक पेपर पे, और वो मेरे को गिफ्ट किया था। वो मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, अगर नीड होगी तो मैं उसका एक पिक्चर शेयर कर दूंगी आपके साथ। डेट आई डोंट रिमेम्बर। यार ऐसे नहीं होता, डेट को याद नहीं रखता है, और आपने अपने फोन में सेव किया इसलिए आपको डेट्स याद है। ठीक है, तो मेरे को 1 पॉइंट मिलता है। चलो ठीक है, छोड़ दिया इसे। तो अभी नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखा रही हो क्या? मेरा फेवरेट ड्रेसिंग क्या है? व्हाट आई लव टू वेयर? यस, इट्स अ क्वेश्चन। सारे कपड़े तुम्हें पहनना पसंद है? नो, फेवरेट एंड कम्फीएस्ट क्लोथ यूजुअली। तुमको अपनी वो झोला वाली जीन्स जो होती है वो पहनना बहुत पसंद है, वो जो स्ट्रेट फिट झोला जैसी होती है, जिसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसमें तो 2-3 बंदे आ जाएंगे। वो मेरे को नहीं पता, पर वो वाली जीन्स, बैगी जीन्स, एंड विद दैट व्हाट आई लव टू वेयर। यार क्रॉप टॉप, वो टी शर्ट वाले, तुम टी शर्ट पहनती हो, शर्ट्स पहनती हो? ये आंसर बिल्कुल सही है। मुझे बैगी जीन्स विद टी शर्ट्स क्रॉप टॉप्स बहुत पसंद है। तो 1 पॉइंट मिल गया ना, झोला वाली पैंट। चलो तो अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। व्हाट इज माय फेवरेट फ्रूट बताओ? योर फेवरेट फ्रूट? व्हाट्स योर फेवरेट फ्रूट बताओ? यार मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है ये फेवरेट। कोई फ्रूट तो खाते ही नहीं है ये। चलो भाई, टिक टिक 1, आई थिंक टिक टिक 2, मैंगो। आई होप सो मैंगो। चलो ठीक है, आंसर 1 पॉइंट। चलो तो तुम पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हूँ? अपने आप से। नो पॉइंट। तो मैंने कहा ना, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, पूरा तो सुनो गाइस। तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो पिताजी से, पापा से। अभी यार इसमें ना देखो, पॉइंट मिलना भी चाहिए, नहीं भी मिलना चाहिए, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ अपने मम्मी पापा से। इसका आंसर होना चाहिए था मम्मी पापा, बट पापा भी ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट दे सकते हैं। मम्मी पापा कह सकते हैं, पर ये सबसे पहले ना पापा ऐसे चलाती थी, इसीलिए पापा से ज्यादा प्यार करती है। नंबर 2 पॉइंट मिल गया, पापा नहीं। ठीक है यार, 2-2। चलो तो अभी तक का मुकाबला सही चल रहा है, आगे देखते हैं क्या रफ्तार पकड़ते हैं। तो ये मैं खुद में पहले पढ़ लूं कि क्या लिखा है मैंने। हाँ, मैंने सबसे पहले अपने हनीमून की डेस्टिनेशन कौन से सर्च की थी? बाली, सिंगापुर, बाली। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, है ना? सिंगापुर बाली दोस्तों, देख रहे हो सिंगापुर? यार मेरे को इतना पता बाली था, अब मुझे अच्छे से याद नहीं है, बाली था। तुमको ना मैं 1 पॉइंट से भी आधा दूंगा, कोई 3 पॉइंट नहीं मिलेगा। इंडोनेशिया वाली कहते हैं उसे, व्हाटएवर इट इज। नो यार, बाली था मेरे को पता है, क्योंकि क्या कहते हैं, तो इंडोनेशिया में बोलू नहीं बोलू, लेकिन हम लोग बाली जाने वाले थे, मेरे को इतना पता है क्लियरली। तो इसमें मेरे को 1 पॉइंट मिलना। ठीक है, नेक्स्ट। मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल या कह सकते हो टफ टाइम क्या था? विच आई हैव शेयर्ड विद यू। विदाई। नो, रुक जाओ। मैं जीतने वाली हूँ। अरे अभी तो 4 ही क्वेश्चन है बेटा, रुको जरा, टाइम तो ले दो। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम, टिक टिक 1, टिक टिक 2, अभी मतलब टाइम जो गया, नो, टिक टिक 3, वो भी नहीं था, और कौन सा डिफिकल्ट आ गया?
अभी नहीं यार, बस इससे ज्यादा चांस नहीं मिलते हैं किसी को भी। इसका आंसर मैं बताती हूँ, मेरी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टाइम था, मेरे 12th स्टैंडर्ड में बैक आई थी और ये बिल्कुल अनबिलीवेबल मोमेंट था मेरी लाइफ का, और इसमें सिर्फ मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया था और ये मेरी लाइफ का सबसे टफ टाइम था कि मेरे से मैनेज नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया था। उसके बाद मैंने री एग्जाम्स देके क्लियर करके तब मैंने नर्सिंग ज्वाइन की। तो गाइस पॉइंट्स होते हैं 4 and 3, एक पीछे चल रहा हूँ पर अभी दही तोड़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने ये टना, मेरी फेवरेट कार कौन सी है? आपकी फेवरेट कार BMW. BMW is a brand name. No यार ऐसा नहीं है। अब यार I am not a car lover, लेकिन he is a car lover, तो इन्हें BMW पसंद है यार, लेकिन मेरे को नहीं पसंद। मारुति गाड़ी पसंद है तो मारुति गाड़ी थोड़ी ना, मारुति ब्रांड। यार मुझे पॉइंट मिल रहा है 5-3। माय फेवरेट डेस्टिनेशन प्लेस, आई नो ये पक्का पता होगा इनको। ये कौन सा है, ये कौन से आइलैंड है? एक मिनट, फिंगर क्रॉस्ड। मालदीव्स। क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए इतना टाइम जो लिया है ना, ये बहुत ही, मतलब मैं नाम ढूंढ रहा था ना, वो आइलैंड कौन से, ये बहुत ज्यादा, नो, और मालदीव्स में कंफ्यूज हो रहा था, यहाँ पे ना, यहाँ पे जो ऐसा कुछ नहीं है, ये आंसर, ये इनको बहुत क्लियरली ऐसे पता नहीं चलता, ऐसे एक सेकंड के अंदर, बट ऐसे ही बताएं। कोई बात नहीं, फिर भी मैं पॉइंट दे देती हूँ। कौन सी कंट्री की करेंसी मेरे पास पड़ी है? यार दिस इज टू मच यार। तुम्हें सारी मैंने दिखा रखी है और आगे यार, मैं भी दिखा दूंगा दूसरे एक आंसर में। मैं इतनी सारी कंट्रीज का बताऊं? मैं एक दो कंट्रीज का बता सकती हूँ। कुछ तो नाम बताओ। हाँ ऑब्वियसली कुछ कुछ तो बताऊंगी। 5 बता दो, ज्यादा नहीं। यार सी, एक पॉइंट के लिए एक ही नाम बताऊंगी ना मैं, 5 क्यों बताऊं? मैं 2 भी बता सकती हूँ, मेरी चॉइस है। नो दैट्स नॉट फेयर। चलो 3 बता दो। बेल्जियम, इटली एंड एक मिनट, एम्स्टरडेम। सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरो ही चलता है। करेंसी बताओ। यार मेरे को इतना पता है कि इटली का है, ठीक है, और ना इटली, एक आंसर का जवाब देने के लिए मेरे पास एक पॉइंट होना चाहिए। शहर बता दिया, अगर मैं बोल दूं मेरे पास इंडिया का है और इंडिया नहीं बता रही है, थाईलैंड का भी है इनके पास। दो गई, देखा मेरे को पता है, थाईलैंड का भी है और इटली का है। ठीक है भाई, अगला चलो, नंबर कितने हो गए? ठीक है, ये पॉइंट मुझे मिल गया। इसके क्वेश्चंस ना जरा खतरनाक हो रहे हैं, मैं थोड़ा डील में ले लिया और मेरे डीले रह गए क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट मी? तो अब मैं आंसर देता हूँ। मैंने तुम्हें ये बताया था कि मेरा जो इम्प्रेशन था तुम्हें देख के, वो ये था के समझदार लग रही है, सुलझी लग रही है, मेरे घर परिवार को संभाल रही है और निर्भय भी संभाल ही रही है। ये आंसर बिल्कुल सही है, ये वाला इन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे तभी इन्होंने ये चीज मेरे को वहीं पे बोल दी थी। मे बी मैसेज में कुछ डिफर करके या बहुत ज्यादा इलाबोरेट करके लिखो, बट आंसर इज राइट, यही बोला था। सो 1 पॉइंट। अगला क्वेश्चन मेरा आता है, YouTube का चैनल हमने कब बनाया था? व्हाट द हेल इज दिस? यार डेट थोड़ी ना पूछते हैं। तो डेट किसने पूछे बताओ, महीना बेटा, डेट तो हमने okay, पूछा ही नहीं। फाइन, वेट लेट मी चेक। 56। इट्स फेब्रुअरी। कैसे आइडिया? ये आंसर नहीं बताना मेरे को कि ये कैसे। इट्स फेब्रुअरी 22 एंड इट्स राइट, आई नो। 21 फेब्रुअरी कैसे? 21 तारीख कौन सी? तुमने कहा झोल बनाया है? इट्स फेब्रुअरी 2022। अच्छा, इट्स फेब्रुअरी 2022 एंड इट्स ट्रू, जो कि गलत है। नो यार ये सही है। गलत है? नहीं सही है। गलत है। अभी ना हम चेक कर लेंगे हमारी फर्स्ट वीडियो कब आई थी, प्रूफ तो यहीं पे हो जाएगा। 5 महीने पहले। आज क्या चल रहा है? 7वां महीना। वेट, 8वां महीना चल रहा है आज। मार्च। वेट यार कुछ नहीं होता, तुम हार गई। नहीं यार रुको आपने इसमें दिखाओ एक बार, नहीं दिखाओ।
अरे कहना क्या चाहते हो? प्लीज दिखाओ। 21st मार्च। ओके फाइन। और ये प्रूफ के साथ दिखा दिया गया। और यार लिटरली मैं बता रही हूँ, मैं पहले ना मार्च बोलने वाली थी और पता नहीं मैंने क्यों। अच्छी बात है ना, ये बहुत बढ़िया किया जो तुमने बोला। When and why did you fall in love with me? And you have discussed that with me. And what did you discuss? Tell me about that. मैंने तो यही बोला था, जब तुम्हारी फोटो देखी थी तभी तुम समझ आ गई थी। कहानी खत्म। कहानी खत्म और कुछ नहीं। अब बराबर हो गए ना। अब मैं पूछता हूँ तुमसे, हमारी फर्स्ट यूट्यूब की वीडियो कौन सी डाली थी? हमारी कभी तुम बोलो, जो पहले जब मैंने डाली थी। हमारी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो डाली थी जो हमारे हनीमून की वीडियो थी फ्रॉम कश्मीर। ऑब्वियसली ट्रू है, वही है। And now it's my turn. And the question is, how long have we been together? इसका आंसर जल्दी आना चाहिए। वो कौन सा महीना था? तुम याद है क्या? Obviously. मुंह बनाने दो थोड़ा, क्या पता अंदर से निकल के आ जाए। यार देखो अब मैं आंसर दे रही हूँ। जून जुलाई अगस्त। अगस्त यार ऐसे काउंटिंग नहीं होने वाली है। एंड आंसर इज 1 year and 2 months। इट्स कंप्लीट। तो ऐसे आंसर देना था। 1 year 3rd month चल रहा है हमको, और ये जो कमिंग 10th है इसमें हमको 13 months कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये तो बता दो, 1 साल 3 महीने तो बता दिए। वी मेट एट मे 10th। सॉरी मे 9th। इट वॉज मे 9th। मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी से एक दिन पहले हम लोग। अच्छा इसीलिए याद है क्योंकि मम्मी पापा की एनिवर्सरी। नो यार ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी मुझे पता है। बट ये यार हमारी ना शादी को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। हमारी शादी को अभी जस्ट 7 months कम्प्लीट हुआ है। 8 month अभी हो जाएगा कल को। आज मे बी आज 28 आज 31 है। कल हमको 8 months कम्प्लीट हो जाएंगे। मेरे को लग रहा है मैं जीतूंगा शायद। मुझे रीसेंट गिफ्ट किससे मिला था और क्या मिला था? रीसेंट गिफ्ट? यस। चलो टिक-टिक 1। इतनी जल्दी नहीं होता यार, घूम रही है। टिक-टिक 2। रीसेंट गिफ्ट आई थिंक हमारी कार थी। No. हमारी कार है। You lost. हार मानो, शाबाश, हाथ मिलाओ। बहुत बढ़िया। मेरे को रिसेंट गिफ्ट मिला था हिमांशु से जूते। मैंने उठा के यार ओके फाइन चल रहे हैं। चलो अब तो बारी बारी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज समथिंग आई डू दैट यू विश आई वुडंट? ये क्या जहर सा सवाल था? इस सवाल का मतलब है, what is something I do? वो क्या है जो मैं करती हूँ that you wish I wouldn't? जो आपने सोचा था मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसा क्या बवाल काम करती है तुमने जो मैंने सोचा था नहीं कर पाऊंगी? एक ऐसा काम है जो मैं कर रही हूँ शादी के बाद से भी और शादी के पहले से भी, बट वो ये ऐसा सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी। यूट्यूबिंग? नो। वीडियोस इंस्टाग्राम पे वो रील्स बनाना? नो, इट्स नॉट द आंसर। थिंक अबाउट इट। घर गृहस्थी को संभालना था क्या? ऐसा क्या कुछ आंसर है क्या? यार देखो ये पॉइंट तो नहीं मिलने वाला इनको, ये पॉइंट इनको नहीं मिलने वाला है। बट आंसर इज, इनको लगता था कि फैमिली में एडजस्ट करना और ये सब करना, सब कुछ मेंटेन करना नहीं कर पाऊंगी मैं। बट आई एम डूइंग दैट एंड आई होप दैट यू फील हैप्पी अबाउट दैट। ऊपर से ऐसे गया, यू फील हैप्पी अबाउट दैट। तो ठीक है यार, ये पॉइंट इनको नहीं मिलने वाला। अगला क्वेश्चन मेरा, मेरा क्वेश्चन है कि मैंने तुम्हारे लिए सबसे पहले क्या बनाया था किचन में? सैंडविच। जी नहीं, आपका सवाल
आपका जवान नहीं, आपका जवाब बिल्कुल गलत है और आप एक पॉइंट हार गए। मैंने तुम्हारे लिए मैगी बनाई थी। मेरे को आपका सवाल, आपका जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैंने बनाए थे आलू की सब्जी, तो स्पेशली मेरे डिमांड पे मेरे लिए बना था, दैट वाज मैगी एंड हिज एक इनकी स्पेशल कुनाल स्पेशल डिश है, क्या कहते हैं उसको, चीज सैंडविच, जो कि चीज सैंडविच। तो हम लोगों ने चीज, मैंने फर्स्ट टाइम इनके हाथ का जो बना हुआ खाना खाया था, दैट वाज मैगी एंड चीज सैंडविच, सो आई गॉट द पॉइंट। चलो तो बेटा ये गेम में तो ये जीती, एंड नाउ द क्वेश्चन इज, मेरे खत्म हो गए, तुम्हारे कौन से क्वेश्चन है, खत्म करो इसे। माय वियर्ड हैबिट्स दैट आई यूजुअली डू, वियर्ड हैबिट्स, कौन सी है बीट है? ओह दैट मींस इनको मेरी कोई भी हैबिट वियर्ड नहीं लगती यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी पतेली हैबिट है वैसे तो जो वियर्ड है, सिर्फ दो बतानी है, सामने बतानी वैसे तो वियर्ड क्या कहूं, हर एक इंसान की ऐसी हैबिट होती है, नहीं पता वियर्ड हैबिट। ओह माय गॉड, मुझ में कोई वियर्ड हैबिट नहीं है, आई एम सो हैप्पी। नहीं मेरे को याद ही नहीं आ रही कौन सी वियर्ड हैबिट है यार, ये पॉइंट तो बिल्कुल मुझे ही जा तो चला ही गया जब मेरे को पता ही नहीं इसका। तो गाइस क्लियर विनर इज मी वाले हो तुम यार, ऑब्वियसली मैं विनर हूँ, मुझे इनके बारे में ज्यादा पता है, तो मुझे गिफ्ट तो मिलना बनता है, यू नो। चलो वो सरप्राइज ना जब मैं गिफ्ट करूंगा। कोई भी सरप्राइज नहीं है यार, मैं बहुत टाइम से ये वाला मेरा शादी का पुराना चूड़ा पहन रही हूँ, एंड आई आस्क हिम फॉर अ न्यू चूड़ा, सो ही विल गिफ्ट मी अ न्यू चूड़ा फॉर हरियाली तीज, क्योंकि कल है हरियाली तीज। तो हैप्पी हरियाली तीज एवरीवन, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखने में ज्यादा मजा आता है तो प्लीज कमेंट ऑन, हम ऐसी वीडियोस आपके लिए और लेकर आएंगे। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।